बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले उन तमाम हमारे महापुरुषों को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, जिन अधिकारों को लेकर के आज आप लोग यहाँ और हम सब मिलकर के यहाँ एक परिचर्चा मंथन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। उन मंथन को जो आज जिन समस्या और जिन अधिकारों को लेकर हम आज यहाँ बैठे हैं, इन अधिकारों के लिए हजारों साल पहले जो महापुरुषों ने संघर्ष किया था और उन महापुरुषों ने जो अधिकार दिलाए और उन अधिकारों को जो आज तक लागू नहीं किया गया, उन अधिकारों को दिलाने वाले में उन तमाम हमारे मूल निवासी समाज के प्रगतिवादी जो हमारे महामानव हैं, मैं उनको तहे दिल से नमन करती हूँ। इसके बाद जो उनके विचारों को, उनके आंदोलनों को और उनकी उन्होंने जो समाज के लिए जो अधिकार के लिए लड़े, उन लोगों ने जाना समझा और आज जो लड़ाई कर रहे हैं, आज जो परिचर्चा कर रहे हैं, आज जो जिन समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, मैं उन तमाम बुद्धिजीवों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोग यहाँ पर आज जो बैठे हुए हैं कि हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं पर जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, हम समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, उन समस्याओं को समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग आज जो यहाँ पर सामने बैठे हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, आप तमाम अतिथियों का और यहाँ सामने मंच पर बैठे मैं उनका भी तहे दिल से सेवा जोहार करती हूँ। साथियों, यहाँ जो मुझे 10वां जो विषय दिया गया, हालांकि यहाँ 20 विषय रखे गए हैं और 20 विषय पर जो अलग अलग जो हमारे जानकार लोग हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है कि देश राष्ट्रीय स्तर की ये समस्याएं हैं, जो संवैधानिक समस्याएं हैं और संविधान में ये जो समस्याएं आज हम लोग जो चर्चा किए कर रहे हैं, इन चर्चाओं को संविधान में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन बात ये आती है कि ये जो 10वां है, मुझे जो 10वां बोलने के लिए गए है, लेकिन ये जितने जो विषय हैं, आज जो आप 20 विषयों को यहाँ पर चर्चा करने के लिए जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, दरअसल ये जो 20 जो सब्जेक्ट हैं, जो 20 समस्याएं हैं, वो कहीं बाहर के नहीं है, वो 5वीं और 6वीं अनुसूची से ही हैं, कहीं बाहर के मुद्दे नहीं है। ये जो 244, जो 275 जो हमें आवंटन, जो हमें जो संविधान जो दिया गया है, वो सारे मुद्दे यहाँ पर है, वन समिति से लेकर के और जितने जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की जो हमारा मुद्दा है, हम संसद और जितने भी है, जैसे कि अभी हम जो ये जो बात कर रहे हैं, ये तमाम समस्याएं हमारी राष्ट्रीय स्तर की हैं, हम यहाँ परिणाम पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो सारे विषय हैं हमारे, ये परिणाम है, परिणाम इसका कारण क्या है, कारण को जानना जरूरी है। हम लोग ये कहते हैं कि ये अभी तक एमटी मेंशन क्यों नहीं हुआ, हम ये कह रहे हैं कि हम क्या सुझाव यहाँ से वो कर सकते हैं। भाई, वो जो वहां पर जो प्रशासन शासन में बैठे हुए लोग गधे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग गधे हैं क्या? आप लोग देखेंगे कि जो 10 लाख हमारे आदिवासियों को भूमि अधिग्रहण के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, इनको जो है विस्थापन करने के लिए, वो लोग गधे हैं क्या? जो यहाँ से जो बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट से लेकर जितने शासन प्रशासन में, वो लोग गधे हैं क्या? गधे नहीं है, वो सातिर लोग हैं, बदमाश लोग हैं। हम लोग अभी जो भाई बार बार ये कह रहे हैं, आपका सुझाव आना चाहिए, आपका सुझाव आना चाहिए, भाई यहाँ मंच पर हम बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, जानकार लोग बैठे हैं, वो सुनने के लिए, समझने के लिए आए हैं कि ये विषय पर हमारे जो वक्ता यहाँ बैठे हुए, वो हमें क्या समझाएंगे, वो क्या समझाएंगे हमको? ये हमारे हम लोग हैं यहाँ, जो आप लोगों ने आमंत्रित किए हैं, वो हमारे बुद्धिजीवी वर्गों को, अतिथि मुख्य अतिथियों को आप लोगों ने बुलाया हुआ है, ये हमारे आम लोग हैं, इनको जानकारी नहीं है। ये जानकारी देगा कौन? जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, पटवारी है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, हमारा जो हम जिनको जनप्रतिनिधि कहते हैं, वो बात को करेगा, कलेक्टर बताएगा, तहसीलदार बताएगा कि आपका जो भूमि है, आपका जो जितनी जो खसरा नक्शा है, आपका जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा में आपको क्या क्या करना है, ये सुझाव देंगे क्या? ये हमारे लोग जो है, आज मैं शिक्षक है, शिक्षिका हूँ, आप मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कहेंगे, मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहूंगी कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, आप लोग अपने बच्चों को डेली स्कूल भेजिए, क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार से ही जागृत होंगे और शिक्षा के अधिकार जब तक हमारे पास में नहीं रहेगा, हम ये सारी जानकारियों से वंचित रहेंगे, क्योंकि शिक्षित वर्ग ही समाज को चारों
वो बिल्कुल सत्य बात बोल रहे थे कि जन प्रतिनिधि हमारा अधिकार है। बिल्कुल मैं मुझे बीच में मत बोलिएगा जी, बीच में आप बोलने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है। आपको विषय आ गया है, ये विषय जो पांचवी और छठी है, सोच एक में दस नंबर पर बात कीजिए। आप चुप रहिए ना, मुझे बोलने दीजिए। मैं मन सच्चा लगूं एक मिनट, नहीं मुझे आपने आपने किया है, मुझे नहीं, मैं पूरे ये दस नंबर पे ही चर्चा कर रही हूँ। दस पर चर्चा की, दस ही नंबर पे चर्चा कर रही हूँ ना मैं, बिल्कुल दस नंबर पे चर्चा कर रही हूँ। जानकारी के अभाव में, और वो जानकारी क्योंकि हमारे लोग तो हजार हमको
गुलाम बना के रखा ना, शिक्षा से दूर रखा, हमें कैसे पता चलेगा हमारे हक अधिकार कैसे क्या है। तो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग जब तक हमें नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा। अगर मैं देखिए मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे जो है कोई दूसरा काम करने के लिए बोला जाएगा तो क्या मैं कर लूंगी उस काम को? नहीं कर सकती। तो ये जो कितने विषय है उन विषय पर अगर हमसे पूछा जाए कि आप सुझाव बताइए तो हम क्या सुझाव दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ये सुझाव मेरे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, शासन प्रशासन जो पर बैठे हुए लोग हैं, वो लोग शिविर लगा करके कि भाई आप लोगों को ऐसे से आपको इतना अधिकार मिला हुआ है, आप लोग इस काम को करिए, हम सहयोग करेंगे आपका, क्योंकि ये हमारे भोले भाले लोग हैं। आज अतिक्रमण हमारे जगहों पर, वन के नाम पर हमारा सब कुछ खत्म किया जा रहा है और हम लोग जो है हम लोग आज हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं। हमें सामने आने की जरूरत है, हमें खुलकर सामने आने की जरूरत है, चाहे वो मजदूर वर्ग की महिला हो, चाहे हमारा भी वही मजदूर वर्ग का भाई क्यों ना हो, क्योंकि अगर आज हम सामने नहीं आएंगे, जागृत नहीं होंगे, तो हम हजारों सालों से गुलामी पूर्ण जो है जीवन जीते रहेंगे। ये हमारी समस्या जो की त्यों बनी रहेंगी, ये हमारे परिणाम है भाई। कारण व्यवस्था है, व्यवस्था में जिनका कब्जा है, और कब्जा किसका है? ब्राह्मणों का है। किसका कब्जा है? ब्राह्मणों का कब्जा है। और ब्राह्मणों का कब्जा होने की वजह से ब्राह्मण जो अपने सर्वज, बिल्कुल बोलने दीजिए, क्यों डरते हैं आप ब्राह्मणों से? क्यों क्यों डरते हैं? समय समाप्त हो चुका है, मेरी सुन लीजिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बोल रहे हैं, मगर उस बात के लिए, इस मंच का जो कार्यक्रम है उस बात के लिए नहीं है। आप राजनीति पास में यहाँ आते हैं। अरे तो राजनीति हमारी नहीं है क्या? राजनीतिक समस्या नहीं है? नहीं, आपकी समयोधि समाप्त हो चुकी है। राजनीतिक समस्या क्योंकि जो भी कानून है वो संसद और विधायिका में बनाए जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन है संसद और विधायिका में बैठकर, न्यायपालिका में बैठकर किया जाता है। जब न्यायपालिका हमारी नहीं है, कार्यपालिका हमारी नहीं है, विधायिका हमारी नहीं है, मीडिया हमारी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, तो आप चाहे जहां भी जाएंगे, आप कागज लेकर जाएंगे, आपके कागज को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, तो आप क्या कर लोगे? आप यहां से प्रस्ताव बनाओगे, प्रस्ताव को आप वहां लेकर जाओगे, राष्ट्रपति आपकी बात को प्रधानमंत्री सुनेगा नहीं, आज आप कितने जो सत्ता पर बैठे आपकी बात को सुनेंगे नहीं, तो आप यहाँ प्रस्ताव बनाकर क्या कर लोगे? आंदोलन करते हो, गोलियों से मारा जाता है, आप अपने हक अधिकारों के लिए आप जब जाते हो तो आपको जो है वो आपको बेवजह आपको थाने में बंद कर दिया जाता है। आज देश में सबसे ज्यादा आदिवासी जेलों में बंद हैं अपने हक और अधिकारों के लिए। आप जब जिस अधिकारों की बात करोगे, इम्प्लीमेंटेशन आप ऊपर दोगे, आपका सुना ही नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं है, सारे के सारे वो लोग वहां बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे लोगों को वहां जाना पड़ेगा, वहां पहुंचना पड़ेगा, तब हम अपने अधिकारों को जो है सही ढंग से क्रियान्वयन कर सकते हैं। आप लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन मैं जो बात कहूंगी वो सत्य कहूंगी, और आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।